जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। धर्म चक्र। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम धर्म चक्र में और मैं हूं आपके साथ गुरमीत। अपने इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताएंगे झाड़ू से संबंधित चमत्कारी टोटके के बारे में जो आपको कर सकता है मालामाल। साथ ही बताएंगे शनि पर तेल चढ़ाने की महिमा के बारे में। इतना ही नहीं, नमस्कार को लेकर क्या प्रथा है इस पर भी आपको बताएंगे, साथ ही तेल चढ़ाने की महिमा के बारे में बताएंगे। इतना ही नहीं, इससे जुड़ी धार्मिक मान्यता के बारे में जानेंगे और बताएंगे कि शनि आराधना के मंत्र के क्या उपाय हैं। इतना ही नहीं, आज हम आपको मंगलनाथ मंदिर उज्जैन के दर्शन भी कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं धर्म चक्र की। धर्म चक्र। तो चलिए आज धर्म चक्र में हम आपको झाड़ू से संबंधित चमत्कारी टोटके के बारे में बताएंगे और इन टोटके से आपको कितना लाभ हो सकता है इस पर आपको खास उपाय बताएंगे। और ये जानने के लिए सीधे चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। मैं हूँ वैभवनाथ शर्मा, आपका पारिवारिक ज्योतिषी। आज मैं आपको बताऊंगा झाड़ू से संबंधित कुछ चमत्कारी टोटके जो आपको कर सकते हैं मालामाल। आज मुझसे जानिए झाड़ू से सुख समृद्धि पाने के सरल, आसान और बहुत ही प्रभावशाली टोटके और दरिद्रता दूर करने के आसान उपाय। हमारे धर्म ग्रंथों में कई मान्यताएं, परंपराएं, शकुन अपशकुन बताए गए हैं जिनका पालन करने से व्यक्ति को सभी सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होती है। तो आज हम जानेंगे झाड़ू से जुड़े हुए कुछ शकुन और अपशकुन जो महालक्ष्मी की प्रसन्नता या फिर उनकी नाराजगी, उनकी अप्रसन्नता का संकेत देते हैं। झाड़ू का उपाय करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ आवश्यक बातें। देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में 3 झाड़ू दान करने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। ये पुराने समय से चली आ रही प्रथा है। पुराने समय में लोग अक्सर मंदिरों में झाड़ू दान किया करते थे और झाड़ू को दान करते समय आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए ये भी समझ लीजिए। मंदिर में झाड़ू सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही दान करना चाहिए। ये काम यानी ये दान किसी विशेष दिन में करना चाहिए, जैसे कोई त्यौहार हो या ज्योतिष के अनुसार कोई शुभ योग बन रहा हो या फिर शुक्रवार का दिन हो। इस काम को बिना किसी व्यक्ति को बताए बहुत गुप्त रूप से एकदम शांति से चुपचाप जाकर के मंदिर में करके चले आना चाहिए। शास्त्रों में गुप्त दान का विशेष महात्म बताया गया है। जिस दिन ये काम आपको करना हो, यानी आपको जिस दिन मंदिर में झाड़ू दान करनी है उसके एक दिन पहले ही बाजार से आपको 3 झाड़ू खरीद करके ला करके घर में रख लेना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके नहा करके जाइए, 3 झाड़ू उठाइए और मंदिर में रख करके चले आएं, या जो मंदिर का सेवादार हो उसके हाथों में आप दे के चले आइए कि ये हमारी तरफ से आप रखिए, मंदिर की साफ सफाई के लिए आप इसका प्रयोग किया करिए। आपकी ये झाड़ू जब मंदिर की साफ सफाई, मंदिर की सेवा के काम में आएगी तो निश्चित ही आपके जीवन में जो दुख है, जो दरिद्रता है वो इससे दूर होगी, वो इससे कटेगी। अब आप जान लीजिए कि आपको कौन कौन से नियम पालन करने चाहिए अपने घर में झाड़ू रखने के लिए, यानी घर में झाड़ू रखने के लिए नियम हमारे धर्मशास्त्रों में क्या क्या बताए गए हैं। झाड़ू के महत्व को देखते हुए वास्तुशास्त्र द्वारा कई सारे नियम बताए गए हैं। जब घर में झाड़ू का इस्तेमाल ना हो
तब उसे नजरों से हटा करके रखना चाहिए, यानी झाड़ू ऐसी किसी जगह पर रखें जहाँ किसी भी व्यक्ति की, आपकी भी अपनी भी नज़र अनायास ना पड़े, और ख़ासतौर पर जब कोई मेहमान आए तो उसके सामने झाड़ू नहीं दिखनी चाहिए, ऐसे रखने की व्यवस्था करें। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। ध्यान रहे झाड़ू पर जाने अनजाने भी पैर ना लगे, इससे महालक्ष्मी का अपमान होता है। झाड़ू हमेशा आपको साफ़ सुथरी जगह पर रखना है, कहीं ऐसी जगह पर नहीं रखना है कि वह पानी से भीगती है, बारिश से भीगती है, और फिर उस पर धूप भी पड़ती है, वह भीगती रहती है और सूखती रहती है, उस पर धूल पड़ रही है, ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा पुरानी झाड़ू को घर में न रखें, और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ध्यान रखिए कि झाड़ू को कभी जलाना नहीं चाहिए। अगर आपने झाड़ू को जला दिया तो आप समझ लीजिए कि सीधे तौर पर आपने अपने हाथों से माँ लक्ष्मी को जला दिया। उसके बाद आपको दरिद्रता के योग से कोई नहीं बचा सकता, पूजा पाठ का कोई उपाय फिर आपके लिए कारगर नहीं होगा। अगर आपको अपने घर में नई झाड़ू लानी, यानी आपको अपने प्रयोग के लिए झाड़ू बदलनी है, तो ये काम शनिवार के दिन करना चाहिए। शनिवार को पुरानी झाड़ू बदल देना चाहिए, इससे स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। शनिवार के दिन घर में विशेष तौर पर झाड़ू से साफ सफाई करनी चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे के पीछे एक छोटी झाड़ू अगर आप टांग के रखते हैं तो इससे घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और किसी भी प्रकार का दोष जो है वो आपके घर में प्रवेश नहीं करता। यहाँ जो दोष की बात हो रही है वो नज़र से है, टोने टोटके से है, ऊपरी बाधा से है, यानी किसी भी प्रकार का कोई नीच कर्म हो, कोई ऊपरी बाधा हो, ये झाड़ू आपके घर में उसे आने नहीं देती। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को, निगेटिविटी को, ब्लैक मैजिक को, तंत्र मंत्र को आपके घर से बाहर रखती है। हमारी पौराणिक मान्यता के अनुसार गोधूली बेला में, यानी शाम हो जाने पर, अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू लगाना अशुभ होता है। जो व्यक्ति स्वप्न में नई झाड़ू लेकर के अपने आप को स्वयं खड़ा देखता है तो यह उसके लिए सौभाग्य का प्रतीक है। ये समझ लीजिए कि आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है, सौभाग्य का ताला जो है आपके लिए खुलने वाला है। कभी भी घर में झाड़ू उल्टी करके नहीं रखना चाहिए, यह अपशकुन माना जाता है। तो झाड़ू खड़ी भी नहीं रखनी और झाड़ू को उल्टा भी नहीं रखना, इस बात को ध्यान रखिए। झाड़ू पर पैर रखना भी बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है, इसका अर्थ है कि आप माँ लक्ष्मी को ठोकर मार रहे हैं। परिवार के किसी भी सदस्य के बाहर किसी विशेष कार्य पर जाते समय, या परिवार का कोई अगर व्यक्ति किसी बड़ी यात्रा पर जा रहा है, किसी खास काम से जा रहा है, तो उसके घर से तुरंत निकलने के बाद भी झाड़ू लगाना बहुत अशुभ होता है। ये बहुत बड़ा अपशकुन माना गया है। ऐसा करने से बाहर गए व्यक्ति को अपने कार्य में असफलता का मुंह तो देखना ही पड़ सकता है, और अगर वह दूरस्थ स्थान की यात्रा पर गया है तो उन्हें उस यात्रा में भारी कष्ट होने के योग बन सकते हैं। ये उसका बहुत बड़ा एक कारण बनता है। अतः उनके जाने के एक या दो घंटे के बाद ही झाड़ू पोछा, घर की साफ सफाई की जानी चाहिए। अगर घर में यदि कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लग जाए तो घर में अनचाहे मेहमान का योग बनता है। ये उसका लक्षण है कि अचानक कोई छोटा बच्चा घर में झाड़ू लगाने लग गया तो आप समझ लीजिए कि आप कोई ऐसा मेहमान आने वाला है जिसे आप चाहते नहीं कि वो अपने घर में आए। गौ माता या अन्य किसी भी जानवर को झाड़ू से मार करके कभी नहीं भगाना चाहिए, ये दोनों का अपमान है। गौ तो स्वतः ही पूज्य है, ये उसका भी अपमान है और झाड़ू का भी अपमान है। आपके अच्छे दिन कभी भी समाप्त ना हो, इसके लिए हमें ये चाहिए कि हम गलती से भी झाड़ू के ऊपर पैर ना रखें, उसको पैर ना लगाएं या लात ना लगने दें, और अगर ऐसा होता है तो माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ करके चली जाती है। ये बात मैं आपको इस कार्यक्रम में तीसरी चौथी बार इसलिए बता रहा हूँ कि यही गलती हम लोग बार बार करते हैं, तो इस बात को अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये ध्यान रखने की है कि झाड़ू को कभी भी अपने घर के भोजन कक्ष में, जहां आप खाना खाते हैं, जहां बनाते हैं अपने रसोई में, वहां नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके धन और अन्न दोनों की हानि होती है, इसके साथ ही आपके स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। झाड़ू को अपने शयन कक्ष में भी नहीं रखना चाहिए, इससे रोग और शोक तो मिलता ही है और उसके साथ साथ नींद नहीं आती, बहुत अच्छी नींद नहीं आती, और नींद में आपको बुरे बुरे स्वप्न, डरावने स्वप्न आते हैं जिसके चलते आपका स्वास्थ्य और आपकी दिनचर्या, आपका जीवन जो है वो हमेशा प्रभावित रहता है।
अगर आप इन उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर के झाड़ू का आदर और सत्कार करें और सम्मान के साथ उसका प्रयोग करें तो हमारे घर में कभी भी धन संपन्नता की कमी महसूस नहीं होगी। आपका घर जो है वह हमेशा समृद्धि की तरफ बढ़ता रहेगा। तो ये मैंने आज आपको बहुत काम की बात बताई। आशा करता हूँ आप इन उपायों का अपने जीवन में अवश्य लाभ लेंगे। इसी शुभकामना के साथ कि आपका आज का दिन मंगलमय हो, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तो सुना आपने, झाड़ू से संबंधित अगर ये चमत्कारी उपाय आप करते हैं तो आपके घर में धन संपत्ति की कमी कभी नहीं आएगी। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे शनि पर तेल चढ़ाने की महिमा और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यता के बारे में। फौरन हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। धर्म चक्र। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राजज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।